लेकिन भारत के खजाने आप देखें उसमें 600 अरब डॉलर है। जली ना तेरी भी जली ना। इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है yes. और इंडिया की जो क्रिकेट है economy. इतनी बड़ी है और सारी ब्रॉडकास्टिंग सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। इंडिया का मैं देख रहा था वहां पे आईपीएल के जो राइट्स हैं वो बिके हैं 5.1 बिलियन डॉलर या 47,900 और कुछ करोड़ का, ये एक जिसे कहते हैं कि इसका ऑक्शन किया गया मीडिया। आज हम एक एक डॉलर को रो रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हिंदुस्तान को चाहने वाले और क्रिकेट को चाहने वाले लोगों के लिए तो बहुत गुड न्यूज कि हिंदुस्तान ने आईपीएल के राइट्स 5 अरब डॉलर में बेच दिए और इन पाकिस्तानियों की माने तो इतने डॉलर तो होते ही नहीं है, इतना तो रुपया होता ही नहीं है। सही पकड़े हैं। ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तिलमिलाहट मच गई, तड़पड़ाहट मच गई, क्योंकि वो तो है भूखे नंगे और 5 अरब डॉलर जितना बड़ा अमाउंट एक सिर्फ क्रिकेट लीग से मिल रहा है इंडिया को तो नेचुरल सी बात है पाकिस्तानी तो बिलबिलाएंगे, तड़पेंगे, मचल गए ये तो एक तरीके से। तो इसी टॉपिक पे आज मेरे को मिला एक वीडियो, उस वीडियो के हम साथ साथ में लेंगे मजे। मैं भागरानी हूँ, मैं साथ में रहूंगा। हमारी जड़ों में ये चीज बैठ गई है और मुल्क बर्बाद हो गया है। हिंदुस्तान को लेने आप ये सारे मुल्क हम इकट्ठे थे ना, हम तो सारे भाई भाई थे, फिर अलग हो गए। वाह क्या गांडू है। कौन से भाई थे भाई? अगर भाई होते ना तो कभी बंटवारे नहीं करते, इस भारत माता के 3 टुकड़े नहीं करते। सही बात है, भाई थे। अब अलग होने के बाद हमने क्या खोया? हमने डिवेल्यूएशन खोया, उन्होंने डिवेल्यूएशन नहीं होने दिया, उस वजह के उनके यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं आया। ये जो आज के इन्फ्लेशन की हम बातें कर रहे हैं ये बातें करने की नहीं है, ये एक वॉर हो रही है, रशिया की वॉर शुरू हो गई है। ठीक है, अब इंडियन प्रीमियर लीग जो है बेसिकली तो कहा जाता है कि ऑफिशियली जो है वो टाटा आईपीएल की वजह से जानी जाती है और पाकिस्तान से भी प्लेयर शुरू में जाते थे लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं लेंगे। शुरू में जा रहे थे नहीं, सिर्फ एक आईपीएल में वो भी गलती से आ गए थे और उसके बाद 15 आईपीएल हो गए बिना पाकिस्तानियों के, बिना धमाके के, बड़ी शांति के साथ। तो जहाँ है पाकिस्तानी प्लेयर उनको वहीं रहने दीजिए, हम खुश हैं, हम हैप्पी है। इस वक्त हमारा आईएमएफ के साथ जो लोन एग्रीमेंट है दैट इज फॉर $6 बिलियन और यहां पर जो आईपीएल के राइट्स है वो 5 अरब डॉलर से ज्यादा के बिके हैं, सिर्फ मीडिया राइट्स। यहाँ पे मतलब कंपैरिजन नहीं है, बड़े लाजमी बात है पॉपुलेशन है, बाकी जीडीपी है और बहुत सारी चीजें जो हमसे अलग है। इसके अलावा भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, सिर्फ राइट्स वो तो वो है कि जो चैनल दिखाएगा और जो वो कमर्शियल लेगा या जिन जिनको वो आगे जाके राइट्स देगा दुनिया में उनसे फिर पैसा लेगा, वो तो एक अलग है जो बीसीसीआई को या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको उससे डायरेक्टली फायदा होगा। जो इनडायरेक्टली जो टीम्स है मुख्तलिफ बड़ी बड़ी गालिबन अब 10 टीम इस सीजन में खेली है 2022 का जो आईपीएल हुआ था, तो उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट होती है, होटल्स हैं, टूरिज्म है, आपका कल्चर है आपकी और बेताशा किस्म की चीज, और सबसे बढ़कर दो चीजें उसने हिंदुस्तान का एक मैं कहता हूं शायद मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी डिप्लोमेसी ने भी किया होगा लेकिन वहां की फिल्म इंडस्ट्री एंड द सेकंड इज क्रिकेट, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है मेरे ख्याल में इन दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। ये हकीकत है, बाकी चीजें भी होंगी, हम ये नहीं कहते कि यार वहां की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बस ये दो चीजें आई और इसकी वजह से सारा कुछ हो गया, बट
इन दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और जो काम करने वाले लोग हैं उनका काम आसान किया गया। भाई साहब का नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन पाकिस्तानी है और काफी अच्छी लॉजिकल बातें की है, तो अच्छी बात करने वालों को हम अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं। जो लॉजिकल बात करते हैं फिर उनके ऊपर तंकीद करना भी नहीं चाहिए। और मैं ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ तो लोग कमेंट में मेरी ऐसी तेजी करके चले जाते हैं कि भाई लॉजिकल बंदे को नहीं छेड़ने, जाहिलों को पहनने का। और नहीं तो क्या, इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है yes. और इंडिया की जो क्रिकेट है economy. इतनी बड़ी है और सारी ब्रॉडकास्टिंग सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए खरीदते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट ही इंडिया है। तो सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, इसलिए इनकी बिड बड़ी जबरदस्त होती है, वो सारी राइट्स इनको मिल जाती हैं। फिर इनके चेयरमैन बैठे हुए होते हैं वहाँ, इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो वहाँ तक तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी जो है, मुल्क की इकोनॉमी जबरदस्त हो, स्पॉन्सरशिप्स हो, पैसा आ रहा हो जा रहा हो, तो फिर सारे आएंगे। फिर ये चीजें, तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। वाह वाह। कि आप अगर आईपीएल को देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, अगर ये इंडियन पहले क्रिकेट लीग थी 2007 में बनी और फिर बाद में इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया और ये चेंज हुई, और लेकिन ये माजी में जाता है 2007 से। सो ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट थी, बेसिकली इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हुआ। सो 2010 में इसके ऊपर ज़्यादा काम होना शुरू हुआ और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टीमें वगैरह बनी है। फिर इसमें स्पोर्ट्समैन जो क्या नाम है, जो इंडिया के खिलाफ जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, वो इसमें आ गए। तो अभी आप देखें कि इंडिया में, बार बार कह चुका हूँ कि इंडिया जो है दैट इज़ नोन एज कल्चरली, इंडिया ने अपने आप को कल्चरली जो है वो पहचान है, वो भले बॉलीवुड हो भले स्पोर्ट्स हो। तो अब आप इमेजिन करें, जबकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है वो जाने जाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब ये जो आईपीएल मीडिया राइट्स हैं जो कि टीवी और डिजिटल के लिए लैदा लैदा हैं, अब ये समझा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। अब टेलीविजन के जो राइट्स हैं अगले 5 साल के लिए, वो तकरीबन 23,000-23,500 करोड़ के हैं, जो कि दैट इंडियन रुपया बनता है। और जो डिजिटल राइट्स हैं वो तकरीबन 20,000-20,500 करोड़ के हैं। अब जो जारी बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा जो है वो महंगा है, अब बड़ा अमीर तरीन बोर्ड है। और अगर आपको याद हो थोड़ा अरसा पहले कि रवीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन थे, तो उन्होंने बकायदा ये कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा तो इंडिया से आता है, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर चलता है। हमने पीएसएल बनाया तो हमें जाना पड़ा दुबई में, वहां जाकर क्रिकेट खेलते थे, फिर वापस खिलाड़ी नहीं आते थे, फिर हम इंडियन खिलाड़ियों को नहीं देते थे, इंडियन पहले हमें लेते थे, बाद में उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया। जाहिर बात है वहां पे एक खास किस्म का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। चिमा साहब, आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मैं तो आपको क्या बोलूं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं। आपने कहा ना कि पीएसएल के अंदर भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम नहीं लेती है, तो मैं आपको, ये थोड़ी बुरा जरूर लगेगा आपको सुन के, लेकिन पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो इंडियन क्रिकेटर्स को खरीद सके। एक एक खिलाड़ी की कीमत पता है आपको कितनी है? इतने में तो आपका पूरा पीएसएल नहीं बढ़ जाता। तो इंडियन क्रिकेटर को खरीदने की ना तो आपके पास क्षमता है ना इतने पैसे, आपकी मजबूरी है कि आप इंडियन प्लेयर्स को नहीं लेते। आईपीएल में बीसीसीआई चाहे तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ पूरे बोर्ड को खरीद ले, इतना पैसा है बीसीसीआई के पास। और आप लोगों का क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। और वीडियो को शेयर करना तो आप भूल ही जाते हो हमेशा, तो आज मत भूलो, सबसे पहले शेयर करो। और मेरा इंस्टाग्राम वो तो फॉलो करना ही नहीं है, आपने करना ही नहीं है वो तो फॉलो बिल्कुल ही नहीं करना भाई, गलती से भी फॉलो नहीं करना मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार जाके। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।